लकम बैक माई डियर स्टूडेंट्स आई होप ऑल ऑफ यू विल भी फाइन डियर स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफ्रेंशियल फ़ोटो कैलोरीमीट्री थर्मल अनालिस की एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नीक डिफरेंशियल फोटो कैलोरीमीट्री ये एक न्यू और पावरफुल टेक्नीक है अच्छा डिफरेंशियल फोटो कैलोरीमीट्री डियर स्टूडेंट्स एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं वराइटी ऑफ फ्री रेडिकल कैटाइनिक एंड हाइब्रिड फोटो पॉलीमर्स को डिफरेंशियट करते हैं और किस चीज की बेसिस पर डिफरेंशिएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइट सो इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल फोटो कैलोरिमीट्री बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल फोटो कैलोरिमीट्री इट्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड लॉर्ड्स ऑफ एप्लीकेशन सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल फोटो कैलोरीमीट्रि माई डियर स्टूडेंट्स डिफरेंशियल फोटो कैलोरीमीट्री को कंसिडर किया जाता है एज एन एक्सटेंशन ऑफ क्लासिकल कैलोरीमीट्री डिफरेंशियल फोटो कैलोरीमीट्री को हम यूज़ करते हैं वेरियस काइंड के रेडिएशन प्रोसेस की एंथोलपी या इंटरनल एनर्जी चेंजेस को डिटरमाइन करने के लिए डिफरेंट काइंड के फोटो कैलोरीमीटर इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं इन वेरियस इंडस्ट्रीज इन ऑर्डर टू परफॉर्म डिफरेंशियल फोटो कैलोरीमीट्रि इनके जो कुछ आ, मखसूस पार्ट्स होते हैं जिनमें शामिल होता है एक स्टैंडर्ड कैलोरीमीटर एंड ऑप्टिकल इरेडिएशन सिस्टम और एक कनेक्शन जो कि इन दोनों चीज़ों को दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़े रखता है डियर स्टूडेंट्स फ़ोटो कैलोरी को खसूस ऐसे केमिकल रिएक्शंस की या ऐसे रिएक्शंस की स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है जो कि इंतहा स्लो होते हैं और उन्हें एक्टिवेट करवाने के लिए हम रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं अब रेडिएशन प्रोवाइड करने से उन रिएक्शंस में एनर्जी इवॉल्व हुई या एनर्जी एब्जॉर्ब हुई ये तमाम तर इन्फार्मेशन हमें कहाँ से मिलती हैं डिफरेंशियल फोटो कैलोरीमीट्री से इसके अलावा डिफरेंशियल फ़ोटो कैलोरीमीट्री की बहुत सारी एप्लीकेशन हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं जिनकी थर्मोडाइनमिक अनैलिसिस मुकम्मल तौर पर बेस करती है लिटरेचर डाटा पे जो कि वर्चुअली इम्पॉसिबल होती है सो दोटो कैलोरीमीटर प्रोवाइड्स अ वे ऑफ मोनीटरिंग सच प्रोसेस इवन के ये प्रोसेस इन प्रोसेस में अनर्जी एब्बॉर्ब हुई या इवॉल्व हुई ये तमाम तर इन्फॉर्मेशन हमें डिफरेंशियल फ़ोटो कैलोरीमीटर की हेल्प से मिलती हैं सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थर्मल एनालिटिकल टेक्निक एंड इट हैज़ अ लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन इन वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे अभी हम देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल फ़ोटो कैलोरीमीटरिक आई होप सो डिफरेंशियल फोटो कैलोरीमीट्री के इंट्रोडक्शन में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए इनशाला आई विल ट्राई टू क्लेरीफाई ओके डियर स्टूडेंट्स अभी हम देख लेते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल फोटो कैलोरीमीट्री तो माई डियर स्टूडेंट्स ये बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड थिंग्स हैं आपने इन्हें ध्यान से सुनना है अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको बिल्कुल भी कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है ओके okay. तो डियर स्टूडेंट्स हमारी जो डिफरेंशियल फ़ोटो कैलोरी है इसमें एक्चुअली होता क्या है डिफरेंशियल फोटो कैलोरीमीट्री में हमारे पास होता है एक रेफरेंस सेल एक होता है हमारे पास सैम्पल सेल सैम्पल सेल जिसमें हमारा सैम्पल मटेरियल होगा रेफरेंस सेल जिसमें हमारा रेफरेंस मटेरियल यानी कोई भी बफर सोल्यूशन उसमें हो सकता है और हमारे पास होता है एक लाइट सोर्स और अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द कैलोरीमीटर ठीक है तो होता क्या है यहाँ पर हम क्या करवाते हैं लाइट सोर्स से रेडियेशन इमिट करवाते हैं अपने सैम्पल और रेफरेंस मटीरियल पर ठीक है अब हमें पता है रेफरेंस मटीरियल ने तो रिएक्ट नहीं करना क्योंकि वो एक बफर है वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करने वाला और दूसरी साइड पे आता है हमारा सैम्पल सेल अगर वो लाइट इमिटेड लाइट आकर हमारे सैम्पल मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करती है यानी वहाँ पर फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है एनर्जी चेंज होती है एनर्जी बढ़ती है या कम होती है इस इस बात को भी आप छोड़ें बस आप ये देखें कि अगर वहाँ पर कोई फोटो केमिकल रिएक्शन हुआ है तो कैलोरीमीटर से हम बसानी ऑब्जर्व कर पाएंगे क्योंकि जो हमारे सैम्पल साइड का सिग्नल है वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा विद डेट ऑफ द रेफरेंस साइड एंड रिजल्टिंग इन अ थर्मल आउटपुट विच इज़ ऑब्जर्व बाय द कैलोरीमीटर तो ये होता है बेसिक प्रिंसिपल डिफरेंशियल फोटो कैलोरीमीट्री का एक बार इसे रीड कर लेते हैं द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल फोटो कैलोरीमीट्री इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ लाइट into the reference and sample cells of the calorimeter if a photo reaction occurs the signal in the sample side of the system will be out of balance with that of the reference side resulting in a thermal output which is absorbed by the calorimeter examples of these processes are photosynthesis chemical reactions associated with chemistry of vegan photopolymerization and photodegradation एज़ यू नो डियर स्टूडेंट्स डिफरेंशियल फ़ोटो कैलोरीमीट्री एक न्यू और पावरफुल टेक्नीक है और इसे यूज़ किया जाता है इन कॉम्बिनेशन विद अदर थर्मल एनालिटिकल टेक्निक्स विच इंक्लूड डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीट्री डियर स्टूडेंट्स डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीट्री को यूज़ किया जाता है इन कॉम्बिनेशन विद डिफरेंशियल फोटो कैलोरीमीट्री डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीट्री में आ, ऐसा क्या काम है जिसकी वजह से हम डिफरेंशियल फ़ोटो कैलोरीमीट्री को मैच करके उसे यूज़ करते हैं एक्चुअली डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीट्री इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ यू वी और विजिबल लाइट ये जो हमारी डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री है ये यू वी या फिर विजिबल लाइट को यूज़ करती है एज अ सोर्स और ये बिहेवियर uh, चेक करती है फोटो रिएक्टिव सिस्टम का एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन ओके माई डियर्स फ्रेंड्स उसके अलावा डिफरेंशियल फोटो कैलोरीमीटर इन्वॉल्व द शाइनिंग लाइट इन टू द रेफरेंस इन सैंपल साइड्स ऑफ द कैलोरीमीटर ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंशियल फ़ोटो कैलोरीमीटर में क्या करता है वो हमारे सैंपल और रेफरेंस मटेरियल पर शाइनिंग लाइट इमिट करता है यानी लाइट तो आती है सोर्स से और वो क्या होती है वो शाइनिंग लाइट होती है और पड़ती है किस पे हमारे सैम्पल मटेरियल पर और रेफरेंस मटेरियल पर रेफरेंस मटेरियल जो कि उस लाइट्स में पे रिएक्ट नहीं करता यानी वहाँ पर कोई फ़ोटो रिएक्शन नहीं होता क्योंकि जो हमारा रेफरेंस मटेरियल होता है ऑलवेज बफर होता है उसके अलावा जो रिएक्ट करता है वो होता है हमारा सैम्पल सम टाइम नहीं भी करता लेकिन आ, अगर हमारा सैम्पल मटेरियल सैम्पल मटेरियल में फ़ोटो कैमिकल रिएक्शन हो रहा है तो आ, उससे क्या होगा वो अभी हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही वो लाइट पड़ेगी हमारे मटेरियल सैंपल पर तो क्या होगा हमारा मटेरियल सैंपल क्या है वो कुछ एनर्जी ऑब्ज़ॉर्ब करेगा और जो सिग्नल होगा हमारे मटेरियल सैंपल का वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा और हम थर्मो uh, कैलोरीमीटर की हेल्प से ऑब्ज़र्व कर पाएंगे कि uh, आया के रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ ठीक हो गया अच्छा इन जर्नल फ़ोटो इंडिय रिएक्शन रिक्वायर द डिटर्मिनेशन ऑफ टू क्वान्टिटीज़ फ़ोटो इंड्यूस रिएक्शन जो होते हैं ना उनकी डिटर्मिनेशन के लिए सिर्फ दो क्वान्टीज़ की ज़रूरत होती है ध्यान से सुननी है फ़ोटो इंड्यूस रिएक्शन रिक्वायर द डिटर्मिनेशन ऑफ टू क्वान्टिटीज़ इन दो क्वान्टिटीज़ की हेल्प से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा मटीरियल सैम्पल किस नेचर का है ठीक है तो सबसे पहला क्या होता है चेंज इन एनर्जी ऑफ द सैंपल यानी हमारे जब फ़ोटो रिएक्शन हुआ फ़ोटो कैमिकल रिएक्शन हुआ लाइट हमारे सैम्पल पर पड़ी और उन्होंने सैम्पल मटेरियल और लाइट ने आपस में इंटरेक्शन किया वहाँ पर फ़ोटो कैमिकल रिएक्शन रूनुमा हुआ, हुआ तो उस दौरान हमारे मटेरियल सैम्पल में क्या एनर्जी चेंज आया ठीक है एनर्जी एब्जॉर्ब हुई या एनर्जी इवॉल्व हुई ठीक है और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे मटेरियल सैम्पल के कितने नंबर ऑफ मोल्स ने रिएक्शन में फ़ोटोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया तो ये था हमारी डिफरेंशियल फोटो का बेसिक प्रिंसिपल और उसकी कुछ एग्जाम्पल्स ओके माय डियर स्टूडेंट्स आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी मैं फिर से कह रही हूँ कि अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज़ आप अभी कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए इन नेक्स्ट वीडियो में आप आपको मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूँगी अभी हम देखते हैं इंस्ट्रोमेंटेशन ऑफ डिफरेंशियल फोटो हाई डियर स्टूडेंट्स डिफ्रेंशियल फोटो कैलोरीमेट्री की इंस्ट्रोमेंटेशन की अगर बात करें तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स की हम बात कर लेते हैं जो भी हम डिफरेंशियल फ़ोटो कैलोरीमीटर यूज़ करते हैं उसके पास जो इंपॉर्टेंट या जो उसके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं उसमें शामिल होता है लैम्प यानी लाइट डिलीवरी सिस्टम लाइट डिलीवरी सिस्टम में हमारे पास लैम्प हो सकता है सोर्स हो सकता है या पावर सप्लाई हो सकती है उसके बाद uh, जो हमारी लाइट रेडिएशंस होती हैं उनको फ़िल्टर करने के लिए हमें फ़िल्टर या मोनोक्रोमेटर की ज़रूरत पड़ती है और अप्रोप्रिएट ऑप्टिक्स फॉर बीम स्कैटरिंग उसके बाद जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द कैलोरीमीटर विच कंटेन द दैम्पल एंड रेफरेंस एंड इट प्रोवाइड द एक्चुअल मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग डिवाइस रिकॉर्डिंग डिवाइस जो हमारी रीडिंग्स को रिकॉर्ड कर रही होगी और बर रास्त हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर रिजल्ट्स शो कर रही होगी सो so, यहाँ पर आपको स्कीमेट्रिक डायग्राम ऑफ डिफ़रेंशियल फोटो कैलोरीमीटर दिखाई गई है इसे गौर से देखिए आई होप तो आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे बिल्कुल ये आसान है और इसे समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है नेक्स्ट आपको दिखाई गई है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ वेरियस इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ फोटो कैलोरीमीटर तो इसमें क्या आते हैं हमारे जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं इंटरनल जो कंपोनेंट्स हैं अगर हम इंटरनल कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको टी एफ दिखाया गया है टी एफ स्टैंड फॉर टम्परेचर ऑफ़ फ़र्नेस एंड सराउंडिंग टी एफ आई एन आई स्टैंड फॉर इनिशियल टेम्परेचर ऑफ़ फ़र्नेस उसके बाद बीटा इज़ द हीटिंग रेट टी इज़ द टाइम टी एस टम्परेचर ऑफ़ सैम्पल टी आर टम्परेचर ऑफ़ रेफरेंस फाई एफ एस हीट फ्लो फ्रॉम फर्नेस टू सैम्पल ही एंड फाई एफ आर हीट फ्लो फ्रॉम फर्नस टू रेफरेंस एंड फाइव एस आर हीट फ्लो बिटवीन सैम्पल एंड रेफरेंस जो बेसिक कम्पोनेंट्स होते हैं जो कि हमने जिनका हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए उसमें क्या आता है हमारा फर्नस आता है सराउंडिंग्स या फर्नस नंबर टू पर हीट कंडक्शन पाथ सैंपल स्पॉट सैम्पल कंटेनर सैम्पल नंबर सिक्स रेफरेंस नंबर सेवन रेफरेंस कंटेनर एट रेफरेंस फोर डियर स्टूडेंट्स जो हमारी आइडियल स्टेडी स्टेट होती है इसमें हमारे सैम्पल और रेफरेंस का टेम्परेचर बिल्कुल सेम होता है इन द आइडियल स्टेडी स्टेट द सैंपल एंड द रेफरेंस सब्सटांसिस है सेम टेम्परेचर विच इज़ लोअर दैन टी एफ अभी हमने पीछे डिस्कस किया टी एफ स्टैंड फॉर टेम्परेचर ऑफ़ फर्नस एज कम्पेयर टू टेम्परेचर ऑफ़ फरनस यानी हमारा जो सैंपल और रेफरेंस मटीरियल है उसका इनिशियल स्टेज में सेम ही टेम्परेचर होगा ना हम आ, आ, अगर एक का टेन है तो दूसरे का भी टेन ही होगा अगर एक का ज़ीरो है तो दूसरे का भी ज़ीरो होगा ओब्वियसली फर्नेस के टेम्परेचर से कम होगा सो टी एस इज़ इक्वल टू टी आर एंड टी एस इज इक्वल टू टी आर इज लेस देन टी एफ द डिफरेंस बिटवीन द टी एफ टेम्परेचर ऑफ़ फर्नेस एंड टेम्परेचर ऑफ़ सैम्पल डिपेंड्स ऑन हीटिंग रेट द थर्मल कंडक्टिविटी द हीट ट्रांसफर कोफिशेंट ऑफ द सर्फेसिज एंड द हीट कैपैसिटी ऑफ द सैम्पल एवरी रिलीज ऑफ हीट इन दैंपल रिड्यूस इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सराउंडिंग एंड सैंपल यानी अगर हम देखें ना सबसे पहले हम अपने सैम्पल मटेरियल को फर्नस में रख रहे हैं रेफरेंस को भी रख रहे हैं दोनों का टेम्परेचर सेम है जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा रेफरेंस है वो बफर है उस पर ना तो कोई हीट का इफेक्ट पड़ने वाला है ना लाइट का इफेक्ट पड़ने वाला है इफेक्ट किस पर पड़ेगा सैम्पल मटीरियल पर पड़ेगा तो ऑब्वियसली हमारे सैम्पल मटीरियल का ही टेम्परेचर चेंज होगा तो सबसे पहले तो इन द इनिशियल स्टेज में क्या होगा कि हमारा सैम्पल मटीरियल हीट एब्जॉर्ब करेगा लेकिन uh, uh, एक लेवल ऐसा आएगा कि हमारे सैम्पल मटीरियल का टेम्परेचर फर्नस के टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा सो टी एस इज़ ग्रेटर देन टी एफ और फिर ऐसा भी लेवल आएगा कि हमारा जो सैंपल मटीरियल है वो हीट को इमिट करना स्टार्ट कर देगा ठीक हो गया सो एवरी रिलीज ऑफ हीट इन द रिड्यूस रिड्यूसेस द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सराउंडिंग एंड सैम्पल सो फाइव एफ एस बिकम स्मॉलर और चेंजेज एंड इट्स इफ टी साइन इज टी एस इज ग्रेटर दैन टी एफ टेम्परेचर ऑफ द सैम्पल इज़ ग्रेटर दैन द टेम्परेचर ऑफ़ फरनेस अच्छा अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नोट करने वाली कि हमारे सैम्पल मटेरियल का टेम्परेचर फर्नस के टेम्परेचर से ज़्यादा क्यों हुआ फर्नस से तो हम जस्ट एक एडिकेट एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं एक स्पेसिफ़िक टेम्परेचर रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं फ़ोटो कैमिकल रिएक्शन करवाने के लिए सैम्पल मटीरियल में फ़ोटोकेमिकल रिएक्शन करवाने के लिए तो बाकी का जो एनर्जी चेंज आया ये हमारे उस लाइट की वजह से है जो हमने सोर्स से रेडिएशन इमिट करवाई थी अपने सैम्पल मटीरियल पर ठीक है और ये इनकी जो रीडिंग्स होती हैं वो हम कैलोरीमीटर की हेल्प से ऑब्जर्व करते हैं और कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें कंटिन्यूसली रिजल्ट मिल रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीक्स अगर हम एप्लीकेशन की बात करें डिफरेंशियल फोटो कैलोरीमीट्रिक की तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंशियल फोटो कैलोरीमीट्रिक को यूज़ किया जाता है इन कॉम्बिनेशन विद अदर थर्मल एनालिटिकल टेक्निक्स ठीक है तो ये इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है यानी बाकी की जो थर्मल एनालिटिकल टेक्निक्स हैं वो भी डिफरेंशियल फोटो कैलोरीमेट्री को वेरियस काइंड्स के रिएक्शंस की डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करती हैं उसके अलावा कैलोरीमेट्री ही एक पहला मेथड मेथड था या पहली टेक्निक थी फॉर मेजरिंग द थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल टू इस्टेबलिश अ कनेक्शन बिटवीन टम्परेचर एंड स्पेसिफिक फ़िजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सबस्टांस इट इज़ द ओनली मैथड फॉर डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ एंथोलपी एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ इंटरेस्ट यानी कोई भी हम फोटोकेमिकल रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन हम करवा रहे हों तो हम डायरेक्ट उसकी एंथोल्पी चेंजेस की रीडिंग्स ले सकते हैं आप डायरेक्ट या कंटिन्यूसली हम देख रहे होते हैं कि हमारे रिएक्शन में जो इंटरनल एनर्जी या इंटरनल हीट का जो चेंज आ रहा है उसे हम कंटीन्यूसली चेक करते रहते हैं ओके डियर स्टूडेंट्स इसके अलावा हमारे ये जो कैलोरी मीटर्स होते हैं ये साइंस की तमाम ब्रांचेस में जिसमें इंक्लूड है बायोकेमिस्ट्री सेल बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी फार्माकोलॉजी एंड रिसेंटली इन नैनो साइंस टू मेयर द थर्मो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायो मोलिक्यूल्स एंड साइज मटीरियल सो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं अगर हम इन्हें वन बाई वन डिस्कस करें तो सबसे पहले आती हैं एप्लीकेशंस इन बायोलॉजी सो बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस फ़ोटोमार्फोजीनिस फ़ोटोट्रापिज़म स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यूज़ मेटाबॉलिज्म ऑफ लिविंग बैक्टीरिया यीस्ट एंड वायरस जैसी इन तमाम चीज़ों की स्टडी के लिए हम डिफरेंशियल फोटो कैलोरी मीटरी को यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में अगर देखें तो फ्लोरिसंस ऑफ ऑर्गेनिक डाइज डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड्स सोलर एनर्जी स्टोरेज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इंक्लूडिंग ऑर्गेनो केमिस्ट्री वगैरह में फ़ोटो कैलोरीमीट्री को यूज़ करते हैं इसके अलावा मटीरियल साइंस इन मटीरियल साइंस फ़ोटो डिग्रेडेशन एंड फोटो पोलम्राइजेशन के लिए डिफरेंशियल फ़ोटो कैलोरीमीट्री को यूज़ किया जाता है इसके अलावा भी इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशन हैं अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि uh, आई थिंक हमारा लेक्चर काफ़ी लेंथी होता जा रहा है आई डोंट लाइक टू मेक लेक्चर टू लेंथी बिकॉज सम टाइम क्या होता है कि लॉन्गर जो होते हैं ना हमारे लेक्चर्स या जो भी एक्सप्लेनेशंस होती हैं वो बोरिंग बन जाती हैं और उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता स्टूडेंट्स को सो so, अभी जो हमने जो भी कॉन्सेप्चुअल थिंग्स डिस्कस की आई थिंक एन एफ हैं आपके लिए और अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में राइट करें इन आई विल ट्राई टू क्लेरिफाई इन द नेक्स्ट वीडियो सो टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक